ग्रीटिंग टू ऑल, आपका वाइल्ड्स एकेडमी में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके बायोलॉजी पार्ट का फर्स्ट यूनिट लाइव प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको दोबारा एश्योरेंस दे रहा हूं कि आपकी हर एक्टिविटी, आपके हर थ्योरी पार्ट को वाइज एकेडमी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी और आपके सामने उसको रिप्रेजेंट करेगी, जिससे कि आपकी नॉलेज में एक जबरदस्त बूस्ट आएगा और आपकी जो प्रेपरेशंस हैं वो नेक्स्ट हायर लेवल तक पहुंचे और आप एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए। तो बच्चों, जुड़े रहिए वाइज एकेडमी के साथ, और वाइज एकेडमी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपने कूपन कोड ठाकुर THAKUR कैपिटल लेटर में यूज करना है और अपने आप को वाइज एकेडमी के साथ एनरोल करना है। वाइज एकेडमी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स की जो एनरोलमेंट है वो बिल्कुल फ्री है उनके लिए और उनको लाइफ टाइम एक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। तो बच्चों, लाइफ प्रोसेस, व्हाट इज लाइफ? आपको ने पढ़ा होगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस। ठीक है, तो लिविंग क्या होते हैं? लिविंग वो होते हैं जिनमें लाइफ हो, ऐसे ही बोलते हैं ना, नॉन लिविंग में लाइफ नहीं होती। ठीक है, और तो जो डेड होते हैं वो क्या होंगे? डेड, व्हाट इज डेड? डेड का मतलब क्या होता है? क्या हम उसको वैसे बोल दें कि जिसमें डेड जो है नॉन लिविंग के साथ कंपेयर करते? नहीं, डेड वो होगा जिसमें कभी लाइफ थी और वो अब उसकी लाइफ जो है वो खत्म हो, अब उसकी लाइफ नहीं रही, उसको बोलेंगे हम डेड। समझ आएगी बात? जैसे किसी की डेथ होती है तो हम ये नहीं बोलते कि भाई ये नॉन लिविंग हो गया, क्या बोलेंगे? डेथ। क्यों बोल रहे हैं डेथ नॉन लिविंग में कन्वर्ट, ऐसे क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो नॉन लिविंग नहीं बोला जाएगा, नॉन लिविंग उसको बोलेंगे हम जिसमें कभी लाइफ थी ही नहीं। समझ आई बात? और डेड बॉडी किसको बोलेंगे? डेड जिसको, जिसमें कभी लाइफ थी पर अब नहीं रही, उसको हम डेड। समझ आई बात? तो बच्चों, जो हमारा टॉपिक है, जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं, लिविंग बींग्स क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है, और लिविंग बींग के कौन कौन से प्रोसेस। तो लेट अस स्टार्ट, एक आउटलाइन ले लेते हैं कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करना है। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज लाइफ, इंट्रोडक्टरी पार्ट। व्हाट इज लिविंग बींग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और इनको हम मेंटेनेंस प्रोसेसेस बोल देते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। देन ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्सियसनेस एंड एक्सक्रीशन, ये कुछ लिविंग बींग के जो करेक्टर हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? सो लेट अस स्टार्ट। तो बच्चों, व्हाट इज लाइफ? लाइफ क्या होती है? लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सर्टेन बायोकेमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस कंटिन्यूअसली, विच लीड्स टू ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अडाप्टेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस।
क्लियर है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, लाइफ। अब ये जो लाइफ है इसको करेक्टराइज किया जा सकता है, इसको करेक्टराइज किया जाएगा, पर पहले हम उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? जो लिविंग बींग होती है दे आर करेक्टराइज्ड बाई सर्टेन वी कैन से करेक्टर्स लाइक मूवमेंट। मूवमेंट यानी हम बोले कि जो मूवमेंट शो करे वो लिविंग होता, तो क्या ये सही है? तो लिविंग का मतलब यहां पे जो मूवमेंट है उसका मीनिंग हम एक्चुअल समझाएं कि हम किस जो मूवमेंट है हम इसको किस वे में बोल रहे हैं कि मूवमेंट लिविंग बींग शो कर। तो बच्चों मूवमेंट क्या होती है? अपनी पोजीशन को चेंज करना, वही मूवमेंट है। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह में जाएं तो उसको हम मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। मूवमेंट हम अपनी जगह पे रोटेट करें वो भी मूवमेंट है, जैसे फैन चल रहा है वो मूवमेंट शो कर रहा है, गाड़ी चल रही है वो भी मूवमेंट शो करेगी, पर वो एक जगह से दूसरे जो जगह है वहां पे प्लेस टू प्लेस जाएगी। क्लियर है? अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मूवमेंट है, यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्फ सस्टेन मूवमेंट आर द मेजर क्राइटेरिया विच डिस्टिंग्विशेस लिविंग बींग फ्रॉम नॉन लिविंग बींग। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई देमसेल्फ, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं कर सकते। तो बच्चों जो मूवमेंट है हम इसको ऐसे समझें, मूवमेंट जो मैंने बताया कि मूवमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजिशन, ठीक है, चेंज इन पोजिशन ही मूवमेंट है। अब बात करें हम मूवमेंट जो हमारे पास कितनी तरह की है, दो तरह की मूवमेंट रहेगी। एक हमारे पास रहेगी विजिबल मूवमेंट, हम इस कंसेप्ट को डीपली स्टडी करेंगे कि ये चीज है क्या, विजिबल मूवमेंट, एंड दूसरी रहेगी इनविजिबल मूवमेंट। दूसरी क्या है? इनविजिबल। तो विजिबल मूवमेंट क्या होगी? विजिबल मूवमेंट वो होगी जिसको हम अपनी आई से डिटेक्ट कर ले, जिसको हमारी आई डिटेक्ट कर ले वो विजिबल मूवमेंट होगी। इनविजिबल मूवमेंट क्या होगी? जिस मूवमेंट को हमारी आई इजली डिटेक्ट ना करें उसको हम क्या बोलेंगे? इनविजिबल मूवमेंट। क्लियर है? अब ये जो विजिबल मूवमेंट है, जो विजिबल मूवमेंट है अगर हम इसकी बात करें, इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर ले। विजिबल मूवमेंट क्या होगी? विजिबल मूवमेंट एक लोकोमोशन होगी, लोकोमोशन, और दूसरी मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मूवमेंट ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी पार्ट है उनकी मूवमेंट, या जो लिविंग बींग है उनकी बॉडी पार्ट की मूवमेंट। क्लियर है? तो हमने देखना है कि जो मूवमेंट है हमने कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट को लिविंग बींग का क्राइटेरिया कंसिडर किया है या ले रहे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें कि जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन क्लियर है, लोकोमोशन क्या हुआ? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना ही लोकोमोशन है। मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। समझा की बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल रनिंग ऑफ डॉग, स्विमिंग ऑफ फिश, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, वो क्या है? विजिबल लोकोमोशन बोलेंगे हम उसको। लोकोमोशन नहीं आएगा ना, विजिबल मूवमेंट नहीं आएगा। लोकोमोटिव करा उन्होंने, एक जगह से दूसरी जगह कब चले। जो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट यहाँ पे लोकोमोशन तो प्लांट शो नहीं करेंगे। दोबारा यहां देख लो, लोकोमोशन एनिमल तो शो कर रहे हैं, पर जो प्लांट्स हैं वो फिक्स होते हैं और वो लोकोमोशन शो नहीं कर सकते। तो क्या हम लोकोमोशन को क्राइटेरिया कंसीडर कर लें? लोकोमोशन को क्राइटेरिया कंसीडर थोड़ी कर सकते हम लिविंग बींग का, ठीक है। लिविंग बींग का क्राइटेरिया हम नहीं कंसीडर कर सकते कि लिविंग बींग जो है लोकोमोशन
करते हैं, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये लोकोमोशन भी तो मूवमेंट है। हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो या लिविंग ऑर्गेनिज्म शो लोकोमोशन, नहीं बोल सकते ना। तो इस लोकोमोशन को हम क्राइटेरिया नहीं लेंगे। तो हम जो लोको मूवमेंट का यूज करेंगे वो किस परिपेक्ष में कर रहे हैं उसको हमने समझना है। समझोगी ना? अब यहां पे हम बात करें मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, जो हमारी बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है वो भी इजीली डिटेक्ट हो जाती है हमारी आई से। जैसे एनसीईआरटी में बेस्ट एग्जांपल दे रखा है कि कोई एनिमल सो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो सो रहा है, लिविंग है या वो डेड हो गया? पता चल जाएगा ना, अगर उसकी बॉडी मूव कर रही है, अगर वो ब्रीदिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, तो वहां से हमें मूवमेंट से पता चल जाता है। जैसे जो काऊ है, अगर वो कटिंग कर रही है, कर्ड को चेविंग कर रही है, जुगाली कर रही है, वहां पे उसकी बॉडी पार्ट मूव हो रहा है, वो आराम से बैठ रही है, ठीक है। या जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरे जो माउथ पार्ट है, लिप्स एंड लोअर जॉ, वो मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है। तो वहां पे ये बॉडी मूवमेंट है, बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट है, इसको क्या बोलेंगे? इसी को विजिबल मूवमेंट बोलेंगे, दिख रही है हमें ये चीज। तो यहां पे क्या हम इसको क्राइटेरिया कंसीडर कर लें? क्या हम इसको क्राइटेरिया कंसीडर कर सकते हैं कि ये लिविंग बींग का जो है, ये लिविंग बींग जो होते हैं वो मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट शो करते हैं? देखो जो प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट भी क्या करते हैं? जैसे आपने सनफ्लावर का नाम सुन रखा होगा, सनफ्लावर क्या करता है? जैसे सन है, ये सन है सपोज, सन ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है ना, तो जो फ्लावर, जो सनफ्लावर होता है उसका हेड भी क्या करेगा? ये भी मूव करेगा। जैसे सन मूव करेगा ईस्ट टू वेस्ट, ये भी ऐसे ही मूव करेगा। इट सनफ्लावर मूव्स अलोंग विद सन। जो सनफ्लावर का जो हेड है, द हेड ऑफ सनफ्लावर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग विद द सन, ठीक है। जैसे जैसे सन वहां पे जाएगा, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, तो वैसे वैसे जो वी कैन से जो हेड ऑफ सनफ्लावर है वो भी वैसे जाएगा। पर यहाँ इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सन जो है वो मूव कर रहा है, फिक्स होता है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, इट इज ऑल ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। अब एक एग्जांपल और ले लें, कुछ प्लांट्स सेंसिटिव होते हैं, उसमें बहुत जल्दी मूवमेंट मिलती है। जैसे आपके पास मिमोसा प्यूडिका है, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं टच मी नॉट। अगर हम उस प्लांट को टच करें, जैसे हमने उसको ऐसे टच करा, तो उसके लीव्स जो होते हैं एकदम क्या होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। तो सेंसिटिव टच है। जो लीव्स होते हैं प्लांट से, दे आर ओरिएंटेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम लाइट, वो भी क्या है, मूवमेंट है, विजिबल है, हमें दिख रही है। तो हम क्या इसको मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट को क्राइटेरिया कंसिडर कर सकते? अब बच्चों, अब हम ये सोचना है आपने, अब हम क्या कर रहे हैं? इनविजिबल मूवमेंट, जो इनविजिबल मूवमेंट है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, इनविजिबल मूवमेंट को हम क्राइटेरिया जो है वो लिविंग बींग का कंसिडर कर सकते हैं, कि जो लिव ऑल लिविंग बींग्स ऑफ इनविजिबल मूवमेंट, हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते। कैसे बच्चों? जो इनविजिबल मूवमेंट होती है, वो इनविजिबल मूवमेंट जो होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है। वो कैसे होगी?
मॉलिकुलर लेवल पे कैसे होती है, ये मॉलिकुलर लेवल पे एक्ट करेगी। मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर है, ठीक है। और ये जो इनविजिबल मोमेंट है, दे आर नॉट डिटेक्टेड बाय अवर आईज, इनको हमारी आंखों से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रिएंट्स है या जो फूड है वो सेल में कैसे गया, सेल में जाएगा खाना, फिर उसके अंदर डाइजेशन होगी, मीन्स रेस्पिरेशन भी होगी, और वहां से एनर्जी निकलेगी, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर सेल से बाहर भी आएगा। तो ये मूवमेंट हमें, जो इनविजिबल मूवमेंट है ये हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते विद अवर आईज, दीज आर कॉल्ड इनविजिबल मूवमेंट। और जितने भी आइदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इस तरह का जो मूवमेंट है, मूवमेंट जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर, वो सब में होती है। क्लियर है? तो हम मूवमेंट, इनविजिबल मूवमेंट को एक बेसिक क्राइटेरिया ले सकते हैं टू डिफरेंशिएट लिविंग बींग्स फ्रॉम नॉन लिविंग। जैसे बच्चों आपके पास, आप वायरस का नाम सुना होगा ना, वायरस का भी दे रखा है आपके पास। वायरस क्या है? वायरस, वायरस से तो सभी तो पता है कि वायरस क्या होती है, क्योंकि जो कोरोना वायरस थी, जिसको नहीं भी पता कि वायरस क्या होती है, तो जो कोरोना एपिडेमिक्स था उस टाइम सबको पता चल गया, जिसने कभी नाम भी नहीं सुना होगा, हर बुजुर्ग से लेके जो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सबको पता चल गया कि वायरस क्या होती है, ठीक है। तो वायरस सिंपल क्या होती है, वायरस जो होती है किस चीज से मिलकर बनी होती है, वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट होता है इसमें, प्रोटीन कोट मीन्स कवरिंग, जो उसको कवर कर, प्लस जेनेटिक मटेरियल, दो चीजों से मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इधर डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का मतलब डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये शुगर होती है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। अब जिस वायरस में, ये पूरा डी का मतलब बताया मैंने, ये मत समझना कि डीएनए शुगर है, डी मीन्स डीऑक्सीराइबोस, इट इज अ पेंटोस शुगर, और आरएनए, आरएनए में जो शुगर होती है वो राइबोस शुगर होती है, जिसको हम पहले नाम ले, ठीक है। अब बच्चों जिसमें आरएनए होगा उसको क्या बोलेंगे हम, आरएनए वायरस, जिसमें डीएनए होगा उसको हम बोलेंगे डीएनए वायरस। जैसे ये प्रोटीन कोट है इसका, कैसे भी बना लो, ये डबल प्रोटीन कोट बना दिया मैंने यहाँ पे, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए, ठीक है, उसको हम वायरस। बच्चों ये जो वायरस होती है ये आउटसाइड द होस्ट, जब होस्ट की बॉडी के बाहर होती है तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन लिविंग, इसको कंसिडर नॉन लिविंग करते। जब ये होस्ट में चली जाती है, होस्ट की बॉडी में एंटर करेगी, तो उस टाइम ये लिविंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता, क्यों हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो वायरस होती है, जो वायरस के जो पार्टिकल होते हैं वो आउटसाइड द होस्ट जो है वो इनएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? इनएक्टिव। क्यों होते हैं इनएक्टिव? क्योंकि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। क्या भाई? इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। जब वो होस्ट बॉडी में एंटर करते हैं तो दे यूज द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ दैट होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ या रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इनसाइड वो लिविंग हो जाते हैं, पर आउटसाइड जो है वो एक डिस्क्रीट पार्टिकल की तरह, नॉन लिविंग और मटेरियल की तरह, उसको हम वो पड़े रहते हैं, इनर्ट फॉर्म में होते, इसलिए वो क्या है, नॉन लिविंग होते हैं आउटसाइड।
तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको मूवमेंट का कंसेप्ट और क्या नाम है वायरस का पता चल गया होगा। अब हम कर रहे हैं लाइव प्रोसेस कि लाइव प्रोसेस कौन कौन से हैं और लाइव प्रोसेस होते क्या हैं। ठीक है, लाइव प्रोसेस में हम देखो क्या हम इसको पढ़ेंगे। लाइव प्रोसेस क्या है? लाइव प्रोसेसेस आर दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शन ऑफ लिविंग बींग विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। सिंपल बता रहा है कि जो लाइव प्रोसेस होते हैं वो बेसिक एक्शन या फंक्शन होते हैं लिविंग बींग के, जो उसके सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। समझा गई बात? अब यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक ले रखा है मेंटेनेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। बच्चों आपको पता ही है जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर जिसपे सिंगल सेल बॉडी होती है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी के सेल में आइदर वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है, उसमें प्रोटोप्लाज्म तो होगा। और प्रोटोप्लाज्म जो होगा इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। एंड इट इज दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय पर्किंस। क्लियर है? अब यहां पे जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस, अगर उसकी मेंटेनेंस जरूरी है और उसको अगर वो प्रोटोप्लाज्मिक में जो जितने भी उसकी डायनेमिक मोशन मूवमेंट करेगा तो उसके लिए एनर्जी भी चाहिए। उस अगर वो सेल प्रॉपरली मेंटेन है तो पूरी की पूरी बॉडी मेंटेन है। हर सेल अगर मेंटेन है तो पूरी की पूरी बॉडी बहुत हेल्दी रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं दे आर कैप्ट इन डायनेमिक फंक्शनल स्टेट थ्रू विच दे आर कैप्ट इन डायनामिक फंक्शनल स्टेट। डायनामिक लाव वो मोशन में रहेंगे कंटिन्यूसली एंड प्रिवेंट देयर डैमेज एंड ब्रेकेज। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगी? फूड से आएगी, जो हम हाँ एनिमल जो है हम बाहर से लेते हैं, और जो प्लांट हैं वो या कुछ बैक्टीरियाज हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो अपना खाना खुद बनाएगा ना वो। अब यहां बात करेंगे हम न्यूट्रिशन की, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? आउटलाइन हम पढ़ रहे हैं इसकी, हम यहाँ पे ये नहीं कि आपका कंप्लीट न्यूट्रिशन कवर करें, ऐसा नहीं है। यहाँ पे यहाँ हम जस्ट उसको शॉर्ट फॉर्म में लिविंग बींग के करेक्टर की फॉर्म में इनको हम पढ़ रहे हैं। इनको हम डिटेल में इनके इंडिविजुअल टॉपिक होंगे उसमें हम इनको पढ़ें। क्लियर है? तो न्यूट्रिशन मींस खाना, खाने की जरूरत तो सबको पड़ेगी जितने लिविंग बींग है, बिना फूड के लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर सकता, बिना फूड के सर्वाइव नहीं कर सकता। समझा रही बात? ना तो उसकी ग्रोथ होगी, सर्वाइव नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड और मेक फूड मेक फूड बाई देमसेल्फ या जो आउटसाइड से ऑब्टेन करेंगे वो तो
एनिमल्स हो जाएंगे, जो खुद बनाएंगे वो प्लांट्स हो जाएंगे, मेड देयर फूड बाई देमसेल्फ एंड यूज इट फॉर, एंड यूज इट मीन फूड फॉर देयर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मीटिंग एनर्जी नीड, एंड मीटिंग देयर एनर्जी नीड। उसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना या तो बाहर से लेता है या खुद बनाता है। बाहर से लेगा तो एनिमल्स, खुद बनाएगा तो प्लांट्स एंड सम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। और उस फूड का यूज, उस खाने का यूज अपनी जरूरतें को पूरा करने के लिए करता है। एनर्जी की जरूरतें हैं जिसमें उसकी ग्रोथ भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी होगी, जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको वो तभी कर पाएगा जब उसको खाना मिलेगा। ग्रोथ होगी, खाना मिलेगा तो सर्वाइवल होगा, फिर आगे की प्रोसेसिंग तभी होगी। तो न्यूट्रिशन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन करेंगे। तो न्यूट्रिशन भी एक क्राइटेरिया है जो लिविंग बींग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है। जितने भी लिविंग बींग होंगे वो खाना लेंगे, न्यूट्रिशन करेंगे। नेक्स्ट ग्रोथ, नेक्स्ट क्राइटेरिया ग्रोथ। अब बच्चों जो ग्रोथ है, ग्रोथ क्या, ग्रोथ जो है वो क्राइटेरिया है लिविंग बींग का टू डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो यहां पे हम देखेंगे कि जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ नॉन लिविंग भी शो करेंगे और लिविंग भी शो करेंगे, पता ना, ग्रोथ जो है वो लिविंग बींग भी शो करेंगे, नॉन लिविंग भी करते हैं। समझ रही बात? जो ग्रोथ होगी, मैंने क्या बोला, नॉन लिविंग भी शो करेंगे, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों शो करेंगे। तो क्या हम इसमें डिफरेंस, हमें पता होना चाहिए कि लिविंग बींग कौन सी ग्रोथ शो कर रहा है, नॉन लिविंग कौन सी। तो जैसे हम बात करें कि आपने ये देखा होगा कि जैसे कुछ सैंड के जो पार्टिकल्स होते, तो सैंड के जो पार्टिकल हैं अगर उनको प्रेशर दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, प्रेशर पड़ता जाता है, तो कोई भी पार्टिकल, चाहे सैंड के हैं चाहे किसी और के पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल हैं वो जुड़ेंगे, प्रेशर पड़ेगा और वो एक रॉक बना देते हैं। ठीक है, प्रेशर से रॉक बन जाती है, तो वो भी एक तरह की ग्रोथ है। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई बॉल पड़ी हुई है यहाँ पे, या कोई वीकेंड से स्टोन पड़ा है, तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल बैठते जाएंगे, समझने के लिए बोल रहा हूँ, तो वहां भी उसका साइज इंक्रीज होगा, वो भी एक ग्रोथ ही है। अगर उसमें प्रेशर लगाया जाए तो ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, ग्रोथ तो नॉन लिविंग भी करेगा। या हम बात करें, हमारे पास कोल्ड माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, वो भी ग्रो कर रहा है ना, वो भी ग्रो करता है। कोल्ड माउंटेन कैसे बन रहा है? जैसे यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं, सिंपल वे से समझ रहे हम, ये दो प्लेट हैं, इनमें टेक्टोनिज्म हो गया। जैसे दो प्लेट हैं, टेक्टोनिज्म, टेक्टोनिज्म में दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक पर्टिकुलर सेंटर के ऊपर फोर्स लगती है, और ये जैसे दो प्लेट है वो ऐसे चली जाती है, दूर चली जाती है। पर यहाँ पे दो प्लेट आई, एक साइड मूवमेंट है दोनों की, और ऐसे टकराती है। तो यहाँ जैसे टकराएंगी तो वो ऊपर की तरफ वो ऐसे उठने शुरू हो जाएगा, उस तरह का जो स्थिर बनेगा वो बनेगा फोल्ड माउंटेन। जैसे ये है तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं, तो ये इस तरह से उठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ज्यादा फोर्स लगती जाएगी तो ये क्या करेगा, और हाइट इसकी होती जाएगी। तो इस तरह से फोल्ड माउंटेन बनते हैं।
तो जैसे माउंट एवरेस्ट है तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी और उसको मेजर किया जाता है साल 2 साल में, ठीक है, कि उसकी कितनी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वो भी हम ग्रोथ बोल सकते हैं। तो माउंटेन तो नॉन लिविंग है, ठीक है, तो नॉन लिविंग की ग्रोथ भी होती है, वो कई तरह से होती है। हमने यहाँ पे सिंपल सीखना है आपने इसलिए 10th लेवल के ऊपर, कि जो नॉन लिविंग की ग्रोथ होती है वो, या नॉन लिविंग लिख दिया मैंने, ये लिविंग है, एल मीन्स लिविंग। नॉन लिविंग की ग्रोथ एक्सटर्नल होती है, कैसे, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग भी एक्सटर्नल ग्रोथ शो करेंगे, और एक्सटर्नल ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम, एक्रीशन। और जो लिविंग बींग है वो कौन सी ग्रोथ शो करते हैं, इंटरनल ग्रोथ होती है नॉन लिविंग में, इंटरनल ग्रोथ। अब ये जो इंटरनल ग्रोथ है इसको क्या बोलते हैं हम, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन मीन्स इंटरनल ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होगी लिविंग बींग की वो कैसे होगी, लिविंग बींग की ग्रोथ इंटरनल होती है और उसको हम बोलेंगे इंटरसेप्शन। और जो जो लिविंग होते हैं, जो लिविंग होते हैं उनकी ग्रोथ इंटरसेप्शन से होती है, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनकी ग्रोथ एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्रीशन। क्लियर है ये टॉपिक? तो बच्चों अगर हम लिविंग बींग की ही तरफ जाएं तो हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ बाई नंबर भी आप लिख सकते हैं, ग्रोथ होगी इनकी बाई नंबर, 2 से 4। जैसे ये हम ग्रोथ का मतलब वहां पे 2 तरह से होता है, जैसे हम बात करें ग्रोथ बाई नंबर, ठीक है, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है, जैसे इंडिया की कितनी है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो वहां ग्रोथ बाई नंबर देखा जाएगा, पर यहाँ हम बॉडी की ग्रोथ की बात करें। ये तो यूनिसेलुलर होता है, सेल का डायमेंशन। यहाँ पे जो यूनिसेलुलर है तो उसमें हम ग्रोथ बाय नंबर ही देखते हैं कि वो कितना हो रही है उसकी ग्रोथ। अगर उसको जो फेवरेबल कंडीशन है, बढ़िया खाना मिल रहा है, उसकी सुटेबल कंडीशन है, वहां पे वो सर्वाइव कर रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करेगा, वो बहुत फास्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। अब इसमें हम ग्रोथ थोड़ी रिकॉर्ड करेंगे, जैसे बैक्टीरिया है हमारे पास, इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो क्या करेगा, वो विद इन 18 to 20 मिनट्स वो डिवाइड हो जाता है, 1 से 2 बन जाते हैं, तो हम ग्रोथ बाई नंबर कंसीडर करें, ठीक है। और यहाँ पे जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है उसमें जो बॉडी की ग्रोथ है, ठीक है, धीरे धीरे जब वो ग्रो कर रहा है विद एज, तो उसको हम ग्रोथ बोलेंगे। पर वो ग्रोथ कैसी होगी, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में इंटरसेप्शन से इंटरनल ग्रोथ होगी। तो आई थिंक ये टॉपिक ग्रोथ का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप आगे हम बढ़ते हैं कॉन्शियस, तो बच्चों जो कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर होता है अपनी सराउंडिंग में जितनी भी चेंजेस आती है उनके बारे में अवेयर। जैसे हम ह्यूमन बींग भी लगा लो, ठीक है, हमें पता है कि आजकल गर्मी बढ़ रही है, तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स आता है भाई, पसीने छूटते हैं, पसीने आएंगे तो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, और हमें भी पता चल रहा है गर्मी है, सर्दी होंगी तो हम क्या करेंगे, जैकेट डाल ली, सोती बार रजाई ढक ली, ठीक है। तो ये जो हम अवेयर हैं, हम कॉन्शियसनेस से, हमें जो चेंज इन सराउंडिंग होती है या चेंज इन एनवायरनमेंट होती है, तो उसके बारे में जो लिविंग बींग है वो कॉन्शियस होता है, उसके बारे में वो जागरूक होता है कि क्या चेंजेस आए, चाहे वो किसी भी तरह का यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर है तो उसमें उसकी जो ब्रिटेन से सेल सरफेस होती है उसमें कुछ रिसेप्टर होते हैं और वो उस चीज से सेंस कर लेते हैं, समझा की बात। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं तुम्हें,
कॉन्शियसनेस का, जैसे हमने किसी को, किसी बैक्टीरिया ने, बैक्टीरिया की वजह से, या किसी वीकेंड से बैक्टीरिया ने बीमारी फैला दी है, बैक्टीरिया की वजह से वो आदमी बीमार हो, तो उसने क्या करा, टेबलेट ली, डॉक्टर ने बोल दिया आपको भाई 6 दिन का कोर्स, 6 दिन आपने ये मेडिसिन खानी है। आपने क्या करा, आपने मेडिसिन ली, पर आपने 2 दिन में ही आप ठीक हो गए, या 1 दिन खाई आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं, और आपने क्या करा, आपने उस दवाई को बंद कर दिया, और आपने महीने के बाद आप दोबारा बीमार हो गए, या 2 महीने में कुछ टाइम के बाद आप दोबारा बीमार हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, जो मेडिसिन खाई है हमने तो वहां पे क्या हुआ, मेडिसिन खाई कुछ बैक्टीरिया उसकी चपेट में आए, वो डेड हो गए, मेडिसिन में कुछ बैक्टीरिया, तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया ने सेंस कर लिया, कुछ बैक्टीरिया सेंस, उनके इस पास इतना टाइम मिल गया कि उन्होंने सेंस करा और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दी अपनी, बच जाते हैं वो, उसमें प्रोटेक्टिव लेयर बना दी, इनके सिस्ट बन सकता है उसका, और वो अपने आप को हाइड करेंगे, और वो जब ऑब्जर्व करेंगे भाई अभी तक फेवरेबल दवाई का इफेक्ट है, वो देखेंगे यार अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ऑब्जर्व करेंगे, अगर जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो दोबारा वो बाहर निकल के मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, उसमें अंदर ही सिस्ट बनता है, तो उसमें उसकी न्यूक्लियस की डिवीजन शुरू हो जाती है और वो दोबारा एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे आगे रिप्रोडक्शन में, वो किस तरह से रिप्रोडक्शन करता है, या रिप्रोडक्शन मीन्स यूनिसेलुलर में ग्रोथ ही रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन ही ग्रोथ, ठीक है। तो अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है लिविंग बींग का, विच डिफ्रेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, क्योंकि लिविंग बींग को एनर्जी चाहिए होती है, लिविंग बींग को सर्वाइवल के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है, रेस्पिरेशन, इनके जो ऑक्सीडेशन होता है फूड का, जो खाना है उसका ऑक्सीडेशन हो गया, जैसे हमारे पास C6H12O6, रेस्पिरेशन सेल्स में होती है, C6H12O6, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन हमने इनहेल करी थी, वो सेल की बात हुई यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बना भाई, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, क्या दिया उसने, एनर्जी में लग गया पता। तो रेस्पिरेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड, रेस्पिरेशन इज यूजुअली नीड ऑक्सीजन, ये पता है ना, ये फूड है हमारे पास, ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन है, इसकी हेल्प से क्या हुआ, ये खाना CO2 गैस H2O में और एनर्जी में, टू CO2 को हम फिर एक्सहेल करते हैं ब्रीदिंग से बाहर निकाल देंगे, और एनर्जी का यूज हम, और H2O का यूज हम करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे तो रेस्पिरेशन जो होती है वो लिविंग बींग ही शो करेगा, नॉन लिविंग नहीं शो करेगा, समझा गया, क्योंकि हमें जितने भी हमारे जो प्रोसेसेस हैं, लिविंग जो प्रोसेसेस हैं वो एनर्जी के बिना नहीं चले, तो एनर्जी कहाँ से आएगी, रेस्पिरेशन से आएगी, और रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, उसी से एनर्जी निकलती है, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते। नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रिप्रोडक्शन शो करेंगे, पर नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोडक्शन तो नहीं करे, उनमें होगी नहीं, तो रिप्रोडक्शन जो होता है इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ वी कैन से लाइफ, और अगर कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं करे, अगर कोई स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो वहां से एलिमिनेट हो जाएगी, मीन्स इट गेट एक्सटिंग्विश्ड फ्रॉम दिस अर्थ, इस अर्थ से वो टोटली एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मीन वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वो रहेगी नहीं, उसका सर्वाइवल नहीं होगा,
रिप्रोडक्शन क्या करती है, जो स्पीसीज है उसको कंटिन्यू रखती है, ठीक है, अपनी रेस को, अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू रखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, रिप्रोडक्शन। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग दैट आर बायोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, अपने पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म से वो मिलेंगे, वो कैरेक्टर शेयर होते हैं। अगर जैसे हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है, अगर इसमें फ्यूजन हुई है तो ये दो बनेगा ना, फ्यूजन से बाइनरी फ्यूजन हुई है तो इससे दो बन गए। अब ये जो दो बन रहे हैं, ये अगर यूनिसेलुलर है, इसमें तो सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और वो उसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर मिरर इमेज टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की मिरर इमेज होते हैं, मीन्स वो क्लोन बन गए। क्या बन गए? क्लोन्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जो बाई पेरेंटल होती है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, तो वहां पे दोनों पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, जेनेटिक कैरेक्टर जो है, जिसे यहाँ पे लिखा ना जेनेटिकली, जेनेटिक कैरेक्टर दोनों के मिक्सअप हो जाते हैं और वो उस ऑर्गेनिज्म में, उस नए न्यू बोर्न बेबी में या न्यू बोर्न ऑर्गेनिज्म में या न्यू फॉर्म ऑर्गेनिज्म में वो चले जाते हैं, तो दोनों के कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है? तो लग रहा पता है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसमें दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर मिक्सअप होते हैं। तो अब हम आगे बढ़े मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों मेटाबॉलिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्टॉप होगी तो ऑर्गेनिज्म भी खत्म, समझा की बात। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझा की बात। द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो बच्चों ये जो मेटाबॉलिज्म है ये कितनी तरह का रहेगा? दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह। कौन कौन सा? एक कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, और दूसरा एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या रहेगा? एनाबॉलिज्म। अब ये जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है उनमें मेजर डिफरेंस, जो एनाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में सिंपल सब्सटेंस से, सिंपल सब्सटेंस से क्या होते हैं भाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस में, ठीक है। और कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स टू सिंपल अपोजिट हो जाता है, ये कैटाबॉलिज्म में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दे गेट ब्रेकअप इनटू सिमिलर सिंपलर सब्सटेंस, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दे गेट कन्वर्टेड टू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल जो एनाबॉलिज्म का जो बेस्ट एग्जांपल है आपके पास वो रहेगा बच्चों, एनाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। समझने के लिए और भी बहुत सारे एग्जांपल रहेंगे पर हम सिंपल इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो इसका एग्जांपल रहेगा, फोटोसिंथेसिस रहेगा। और ये जो कैटाबॉलिज्म है इसका एग्जांपल रहेगा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। आप देखो कैसे रहेगा, जो फोटोसिंथेसिस है, जो फोटोसिंथेसिस है, पता है ना सबको फोटोसिंथेसिस क्या होता है?
फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर है? तो यहां पे क्या होगा, CO2 यूज करा, वाटर यूज करा और साथ में एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और इससे क्या बन गया भाई आपके पास C6H12O6 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन। ये ध्यान रखें, यहां क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो आपने इस रिएक्शन को ही ध्यान रखना है, 6 CO2 + 12 H2O दैट गिव्स यू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल अलोंग विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है, इट इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। जो रेस्पिरेशन है वो फोटोसिंथेसिस के अपोजिट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 सभी करा ना हमने, उसमें ऑक्सीजन का यूज हुआ और उससे एनर्जी रिलीज हुई है, क्या बना है इसका CO2 और क्या बना है वाटर प्लस एनर्जी, ये निकला है, ये चीजें बनी है हमारे पास। अब यहां पे देखो, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था फोटोसिंथेसिस वो किस में टूट गया, हमारे पास ऑक्सीजन की हेल्प से किस में टूटा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। और फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल उसमें ये बनी थी, दोनों बनी थी भाई। तो जो रेस्पिरेशन है वो जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस जो है अपोजिट होता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है और वही खाना रेस्पिरेशन से टूट के वही चीजें दे देगा जिससे खाना बना था, एनर्जी भी दे रहा है, एनर्जी यहां पे सनलाइट की यूज हो रही थी खाना बनाने के लिए, तो ये अपोजिट होगा। समझा गई बात, क्लियर है? तो अब बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एक्सक्रीशन। तो बच्चों एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंस आउट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो नाइट्रोजनस वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं हमारे पास वो काफी टॉक्सिक होते हैं, जैसे अमोनिया, कुछ एनिमल अमोनिया, कुछ एनिमल यूरिक एसिड और कुछ जो हैं वो क्या करते हैं भाई, यूरिया छोड़ते। एक नाइट्रोजनस वेस्ट की एलिमिनेशन को ही, इन टॉक्सिक सब्सटेंस की एलिमिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते। तो इसके डिटेल भी हम बाद में पढ़ेंगे, हर टॉपिक में ये जितने भी हमने लाइफ प्रोसेस पढ़े इनको हमने टॉपिक वाइज पढ़ना है, लेक्चर वाइज पढ़ना है, कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका जिसमें हम कवर करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होती है, क्या करेंगे कवर, व्हाट इज न्यूट्रिशन और जो न्यूट्रिशन कितनी तरह की होती है, प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होती है, एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होती है, एनिमल मींस यूनिसेलुलर अमीबा में कैसे होगी, पैरामीशियम में कैसे होगी जो आपके दोनों सिलेबस में है, और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होगी। ठीक है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे विद एक्टिविटी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा
लेक्चर जो होगा वो न्यूट्रिशन को होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।